जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीनियर सिटीजन कोटा से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग कमेंट्स के द्वारा ये चीज़ पूछ रहे थे कि सीनियर सिटीजन कोटा के तहत मिलने वाली जो किराए में छूट होती थी वो कब से शुरू होगी, और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आया हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत फिर से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। पूरी कहानी क्या है, कब से किराए में छूट शुरू होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में रियायत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है, क्योंकि अब कोविड-19 महामारी हमारे देश में कम हो गई है और सारी पुरानी व्यवस्थाएं और सुविधाएं फिर से धीरे धीरे करके शुरू हो गई हैं। दरअसल दोस्तों, श्रीकाकुलम के जीएन कुमार जी ने एक जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से भारतीय रेलवे को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराया रियायत फिर से शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिसे कोविड महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील श्री BBSS श्रीकांत जी ने कहा कि वे केंद्र द्वारा कोविड प्रतिबंधों को वापस लेने के मद्देनज़र केवल भारतीय रेलवे द्वारा किराए रियायत को फिर से शुरू करने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक सॉलिसिटी जर्नल एन श्रीनाथ जी ने कहा कि छात्रों और 11 अन्य श्रेणियों के लिए किराए में रियायत रेलवे द्वारा फिर से शुरू कर दी गई है और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी उनमें से नहीं है। हस्तक्षेप करते हुए खंडपीठ ने सवाल किया कि कोविड के समाप्त होने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराया रियायत फिर से शुरू क्यों नहीं की गई। भारतीय रेलवे को एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है। दोस्तों, अगली सुनवाई के बाद क्या होता है वो मैं आपको अपडेट में ज़रूर बताता रहूँगा। उम्मीद ये है कि हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं शुरू कर देगा, भले ही वो सुविधाएं हाईकोर्ट के आदेश पर ही क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।